तो इस तरीके पूरे भारतवर्ष के अंदर एजुकेशन पे कुठारा घाट तो हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप तो आप पीएचडी होल्डर हैं और पीएचडी आप कर चुके हैं। देखिए, इस मामले को थोड़ा सा इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाकर समझने की ज़रूरत है। अपने इतने रिलेंटलेस स्ट्रगल के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ले आए थे ताकि इक्वालिटी और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिले लोगों को, और जो डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं वो भी एजुकेटेड होकर और इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव होने का रिजर्वेशन का जो भी प्रोविजंस लाया गया था कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो एम्प्लॉयमेंट्स में, हायर एजुकेशन में। तो लेकिन जो मानसिकता है इस ब्राह्मणवादी समाज की, आज हमारी युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख कर इनको जो है बौद्धिक स्तर पर भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी जो इनको चैलेंज दे रहा है, तो इनको अपना जो ब्राह्मणिकल हेजमोनी टूटा हुआ दिख रहा है। और जो रोस्टर बना है अभी तक और जितने बैकलॉग हैं, देखिएगा हजारों की संख्या में बैकलॉग हैं, सरकार और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इसको भरने के बजाय इस तरह का एक जो है, हम तो इसको ड्रेकोनियन ही बोलेंगे, एक तरह से गंदा सा जो है लेटर भेज कर और इतनी तेज़ी दिखाते हुए अक्रॉस द कॉलेज इसको भेजा गया। और जिस तरीके से UGC के लेटर को वाइस चांसलर ने तेज़ी से कॉलेजेस में भेजा, देखिए इससे मानसिकता जो मेंटालिटी है और जो इंटेंशंस है बहुत क्लियर हैं कि जो है SC ST और OBC के जो यंग जनरेशन है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो है, जो तरीके से इनको चैलेंज दे रहे हैं हायर एजुकेशन में, इनको किसी न किसी से उस अपॉर्चुनिटी जो है एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, एजुकेशन के, उसको रोकने की एक भरपूर साजिश है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी मंच लगते हैं और बहुजन समाज के, उसमें बाबा साहब का बहुत अच्छे तरीके से संबोधन किया जा रहा है। लेकिन सर, आज उस अकेले महामानव ने करोड़ों लोगों की, करोड़ों युवाओं की जिंदगी को बदल दिया है। लेकिन आज करोड़ लोग, करोड़ युवा उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि बाबा साहब एक होकर अकेले, आप देखिएगा तो इस तरह के ट्रेडिशनल कॉलोनियल सोसाइटी में इतने बड़े ताकत से साथ लड़ते हुए बाबा साहब ने जिस धैर्य का, जिस करेज का परिचय देते हुए, इतने सफरिंग को झेलते हुए आगे बढ़कर इन लोगों के लिए जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पैदा कर दिया। लेकिन हमारे लोगों में भी कमी में, एक तो मटेरियल कंप्लासेंसी आ गया है लोगों में नौकरी पाने के बाद, रिजर्वेशन का बेनिफिट सबको चाहिए, लेकिन कोई भी उसके सेविंग के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शंस के लिए, उसके सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन उसको बचाने की मुहिम में साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए, उनमें जागरूक बनना चाहिए, चेतन आना चाहिए, चेतन अवस्था में आना चाहिए कि उनको तो नौकरी मिल गई लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ यह सेफगार्ड, अगर वो आप में आपस में मोबिलाइज होकर इसके ऑनस्लॉट के खिलाफ खड़े नहीं हो गए, इसको बचाने के लिए आवाज़ नहीं लगाएंगे, तो बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जब इस तरह से ब्राह्मणवादी ताकत जो है ये सारा छोड़ को भी ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए तांसी राम जी ने भी बहुत पहले कहा हुआ है कि इस तरह के जो है उदारवादी लोकतंत्र में सरकार डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तो हार्म नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, लेकिन वो जुडिशियरी के सहारे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजंस लाएंगे ताकि आपकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसको रोका जाए और आपके रिप्रेजेंटेशन को कम किया जाए। मुझे लगता है कि हमको सीख लेनी चाहिए बाबा जी के उस तरह के स्ट्रगल से, और अभी भी टाइम है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी भी समय है कि हम जागरूक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अक्रॉस द कास्ट कम्युनिटी, जैसे SC ST OBC, एक ऐसी यूनिटी और सॉलिडारिटी में खड़े हों ताकि सरकार हमारे रिप्रेजेंटेटिव राइट्स को रोक ना पाए।